हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। आपको कैसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको चेक करना है बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों, टॉप रैंक म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं, इन सबसे रिलेटेड तो आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड सिंपल है, जैसे हम लोग डायरेक्ट कोई भी है बंदा डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो वो कोई हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम स्टॉक में बार बार इन्वेस्ट कर पाएं और चेक कर पाएं चीज़ों को। तो म्यूचुअल फंड क्या है, एक पूल ऑफ मनी होता है। 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग सबने एक पैसा जमा किया, वहां पे एक फंड मैनेजर हो गया, वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा अकॉर्डिंगली, चाहे वो इक्विटीज में करे, चाहे डेट रिलेटेड फंड्स में करे, मल्टीपल फंड्स में वो आपका इन्वेस्ट करेगा, उसके बेसिस पर आपको बेस्ट से बेस्ट रिटर्न देगा। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, जैसे कि उसकी उसकी पर यूनिट नेट एसेट वैल्यू कितनी है, उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है। एसेट अंडर मैनेजमेंट मींस कितना टोटल पैसे को वो अपने मैनेज कर रहा है, उसका रिटर्न कितना है 1 साल 2 साल 3 साल, उसका पोर्टफोलियो कैसा है, कहाँ कहाँ उसने इन्वेस्ट करना है, उसका एक्सपेंस रेशियो कैसा है, क्या क्या आपका मीन्स एक्सपेंस रेशियो क्या है, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। ये बहुत ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आपको ये ध्यान रखना है कि कितना आपका एक्सपेंस रेशियो है और आपको कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, डायरेक्ट रेगुलर ग्रोथ, ये सब ये पॉइंट्स को आपको क्लैरिफाई आपको पता होने चाहिए कि डायरेक्ट क्या है, रेगुलर क्या है, ग्रोथ क्या है। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ डायरेक्ट और रेगुलर प्लान का। डायरेक्ट में क्या होता है, आप डायरेक्टली जाके सपोज HDFC का कोई फंड, आपने डायरेक्टली HDFC से उसको बाई किया या आपने, और रेगुलर क्या है, अगर आप किसी और थ्रू थ्रू किसी एजेंट एजेंट के थ्रू या किसी और चैनल से उसको बाई करते हो तो वहाँ पर उनका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। तो इसलिए वो चीज़ को ध्यान रखना है आपको, डायरेक्ट चीज डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स बाई करने, रेगुलर नहीं करने। मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा आगे जिससे आपको उसका डिफरेंस क्लैरिफाई करूँगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कैसे करने हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ईजी वे है अंडरस्टैंड करने का कि हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट। तो ये देखिए, सिंपल कहीं नहीं जाना आपको, moneycontrol.com बहुत डाटा है वहाँ पे आपको एनालाइज करने के लिए, लेकिन आपको एनालाइज खुद करना है, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए जो न्यूज आती है, चैनल्स आते हैं, ये अच्छा है वो अच्छा है, नहीं, आप अपना एनालाइज कीजिए कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखें, उन चीज़ों को ध्यान रखिए, बेसिक्स पढ़िए, उसके बेस पर आप एनालाइज कीजिए। तो देखिए, आपको moneycontrol.com पे चले गए, आपने देखा भाई टॉप रैंक म्यूचुअल फंड्स में चले गए और आपने देखा भाई कौन से टॉप रैंक वन वाले हैं। अब देखिए, जैसे इसमें रैंक बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होंगे, HDFC के हैं, ICICI के, रिलायंस के हैं, SBI के हैं, सुंदरम के हैं, UTI के हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। फिर आपको ये देखना है, सबसे मेन बात है आपको कैटेगराइज करना है कि आपको कौन कौन से सेक्टर वाइज जाना है। जैसे कि क्या आपको टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड चाहिए, क्या आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है, रिस्क टेकिंग मीन्स हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन। तो इस तरीके से आपने देखना, अगर आपका हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है तो आप स्मॉल कैप की तरफ जाइए, अगर आपकी लो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है तो आप लार्ज कैप की तरफ जाइए। तो उस बेसिस पे आपको देखना है। तो इसमें अभी देखिए, आप सबसे पहले देखिए उसका रिटर्न, देखिए पहले 1 साल का रिटर्न देखिए, उसका AUM देखिए और नेट एसेट वैल्यू देखिए। अब देखिए इस देखिए इसका 12,000 करोड़ का, इसका ICICI पोटेंशियल का, इसका AUM है। अभी ये लार्ज कैप के हैं, लार्ज कैप में भी बहुत सारे हैं, रैंक वन पे हैं ये। अभी मैं आपको रैंक वन के लेके जाता हूँ, ये रैंक टू के थे। अब देखिए रैंक वन में ये देखिए, यहाँ ड्रॉप डाउन है, सिंपल सेलेक्ट कीजिए रैंक वन के। तो 1 ईयर रिटर्न देखिए, उसके बाद उसके वो देखिए, तो 1 ईयर में देखिए 24% दिया IDFC ने, लेकिन इसका AUM बहुत कम है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि AUM बहुत कम है, AUM अच्छा खासा होना चाहिए, इस चीज़ पे ध्यान रखना है। AUM अच्छा होगा तो उसके बेसिस पे सपोज कहीं कुछ फंड उसका लॉस में जा रहा है तो उसको वो दूसरी जगह कुछ पैसा उसको दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकें, वहां से गेन कर ले। तो ये चीज़ आपने देखिए, देखिए यहाँ कोटैक का है, कोटैक का देखिए 13,000 करोड़ का AUM है, बट कोटैक का रेट 1 ईयर रिटर्न लास्ट 1 ईयर में जब मार्केट इतना अच्छा ग्रो करी है फिर भी उसने 8% का कुल दिया, तो ऑब्वियसली कितना कम वो है, बट यह नेट एसेट वैल्यू उसकी कम है। ये देखना नेट एसेट वैल्यू जो थी आपकी, कहते हैं 1 यूनिट 2 यूनिट कितनी यूनिट आई। सपोज आपने 1,000 रुपये की SIP करी, 1,000 रुपये की SIP में उस टाइम के नेट एसेट वैल्यू के ऊपर उस टाइम पे आपको उसके बेसिस पे आपको यूनिट्स मिलेंगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी। देखिए ये देखिए, इसने 21% दिया, इसका 1,000 करोड़ का IDFC, इसका 1,000 करोड़ का AUM है। और आगे देखिए आप कौन कौन से हैं, उसके बेसिस पर आप सर्च कीजिए। देखिए ये L&T इमर्जिंग बिजनेस का है। अब देखिए स्मॉल कैप, वो लार्ज कैप के थे जितने भी थे, ये लार्ज कैप के थे। तो लार्ज कैप में जो एवरेज रिटर्न है देखिए, जिसके अच्छे एसेट्स है, तो रिलायंस के टॉप 200 फंड्स ने इसने 13% दिया, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसका AUM भी अच्छा है, एवरेज रिटर्न भी अच्छा है, 13% का है और लार्ज कैप का। या रिलायंस का जैसे मैंने आपको बताया था डायरेक्ट वाला फंड, देखिए डायरेक्ट सेम फंड है,
इसमें 13% है, इसमें 14.2% है, तो बहुत डिफरेंस होता है डायरेक्ट फंड और उस उसमें रेगुलर फंड में। तो देखिए सेम फंड है, नेट एसेट वैल्यू का भी डिफरेंस देखिए, तो उसी बेसिस पर आप देख लीजिए। आप डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, आपको जैसा कि हम बता यहाँ से, अब देखिए स्मॉल और मिड कैप में, स्मॉल और मिड कैप ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था लास्ट, लेकिन यहाँ पे अगर 22% 23% का रिटर्न भी मिल रहा है तो बहुत, क्योंकि जब आप देखते हो मार्केट क्रैश करती है तो सबसे पहले कौन डूबता है, स्मॉल और मिड कैप नीचे गिरता है एकदम, स्मॉल कैप सबसे पहले नीचे गिरता है फिर मिड कैप आता है। तो इसी बेस पर लार्ज कैप क्या है, स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें अगर इतनी स्पीड से बढ़ नहीं रही तो इतनी स्पीड से गिरेंगी भी नहीं, ये जरूरी है अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बुरी न्यूज आ रही हो कि भाई ये हो गया वो हो गया, जैसे पीसी ज्वेलर का भी हुआ था, तो उन केसेस में अलग बात है, लेकिन आपको ये चीजों का ध्यान देखना है। अब देखिए इसके, देखिए आपने रिलायंस स्मॉल कैप का है जैसे 21% दिया, इसने 23% दिया, पहले आप देखिए कंपेयर करके 1 ईयर का रिटर्न निकाल लीजिए। और अब इसमें देखिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी भी है, आप इस चीज को भी ध्यान दीजिए, डाइवर्सिफाइड इक्विटी भी है तो डाइवर्सिफाइड में भी आप ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा है। मीन्स आप डाइवर्सिफाइड मीन्स आपका जैसे सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल आईटी सेक्टर है आपका, ऑयल सेक्टर हो गया आपका, केमिकल सेक्टर हो गया आपका, स्टील सेक्टर मीन्स जो मेटल सेक्टर हो गया, ऐसी डाइवर्सिफाइड मीन्स उस फंड ने हर जगह अपना डाइवर्सिफाइड वो लगा रखा है। तो कभी भी क्या होता है जब मार्केट क्रैश होती है तो उस टाइम पे अगर एक सेक्टर डाइवर्सिफाई हो रहा है तो दूसरा सेक्टर उस टाइम पे ग्रो करता है, तो ये आपका सारा पैसा डूबेगा नहीं उस फंड का, तो इसीलिए वो चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। तो देख लीजिए उस बेसिस पे, और मैं आगे और डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे, जैसे अभी हम एक ये डाइवर्सिफाइड इक्वल फंड इसके वो खोल लेते हैं, तो देखिए हम इसकी एक आपको डिटेल में ओपन करके दे रहे हैं HDFC स्मॉल कैप की। तो इसमें ध्यान दीजिए कि आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखिए ये आपका जो फंड है उसके रिटर्न देखिए, 1 मंथ की 4% रिटर्न है, 3 मंथ की 6% रिटर्न है, और उसके बेसिस पे 6 मंथ की इसकी 12% रिटर्न है, 1 ईयर की 30% रिटर्न है, और अगर 2 साल की बात करते हैं तो इसकी 2 साल की 34% रिटर्न है, और 5 साल की 25%, जो कि बहुत अच्छा है रेंज में अगर आप बात करते हैं तो बहुत अच्छा है उस बेसिस पे। तो ये डाइवर्सिफाइड फंड है, और अब अभी देखते हैं अगर इसकी एब्सोल्यूट रिटर्न्स देख रहे हैं तो देखिए 2016 में कम थी, एनुअली देखिए इसमें बहुत ज़्यादा है उस बेसिस पे। ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी है कि कैसे कैसे चीज़ें मुझे देखनी है। और दूसरी चीज अब इसके अलावा आपने देखना है कि इसने इन्वेस्ट कहाँ किया है, जो कि पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पोर्टफोलियो देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसने इन्वेस्ट किया है सोनाटा में, सोनाटा कंपनी है, रेडिंगटन में इन्वेस्ट किया है, कार्बोरंडम में इन्वेस्ट किया है, फिर आप एक बार इन कंपनीज को स्टडी कर लीजिए कि क्या कहते हैं ये कंपनीज है क्या, ये कंपनीज करती क्या है, देखिए इसने कितना परसेंट कितना कहाँ इन्वेस्ट किया ये देखना जरूरी है। SKF इंडिया चंबल फर्टिलाइजर्स में, LG Balakrishnan में, देखिए मैंने बताया था आपको डाइवर्सिफाइड मीन्स मल्टीपल सेक्टर में उसका इन्वेस्ट, जैसे टेक्नोलॉजी में किया है, 2 इंजीनियरिंग की कंपनी में किया है, एक केमिकल में किया है, एक रिटेल में भी किया है, उसका एक मीडिया में भी किया है। तो ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है कि उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है। और फिर देखिए इक्विटीज में इसका 83% है, अदर्स में इसका 1% है, डेट में कहाँ है और कैश और कॉल में कहाँ पे है, तो ये चीजें हैं। तो ये चीजें बहुत देखनी जरूरी है, कितना परसेंट दे रहा है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, डाइवर्सिफाइड है नहीं है, कहाँ मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं टैक्स सेविंग में करना चाहता हूँ या फिर मैं हाई रिस्क वाले में करना चाहता हूँ, लो रिस्क वाले में करना चाहता हूँ या मीडियम रिस्क वाले में करना चाहता हूँ, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने की जरूरत है। और कंपनी ने इन्वेस्ट कहाँ किया है, इन्वेस्टमेंट इन्फो, उसका टोटल एक्सपेंस रेशियो, ये चीज़ें बहुत ध्यान देने की जरूरत है, उसके बेसिस पे आपको एक एनालाइज करके डिसीजन लेना है। तो आप खुद एनालाइज कीजिए, क्यों किसी के ऊपर डिपेंड रहते हो, इधर से न्यूज आएगी उधर से न्यूज आएगी, खुद जाइए इंटरनेट पर सारी चीजें अवेलेबल है, एनालाइज कीजिए चीजों को, समझिए चीजों को, उसके बेसिस पर आप इन्वेस्ट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।